आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में वो अपनी पत्नी और एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के साथ विंबलडन 2024 का फाइनल मैच देखते हुए नजर आ रहे हैं। राघव चड्ढा ने विंबलडन 2024 मैच के दौरान की सारी तस्वीरें अपने ही इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर की। इस बीच जैसे ही ये तस्वीरें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आईं, विपक्ष इसे लेकर सवाल उठाने लगा। सवाल इसलिए क्योंकि ये तस्वीरें ऐसे समय पर सामने आईं जब आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले मामले में जेल में बंद हैं। पार्टी के टॉप लीडर्स में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, तीसरे नंबर के मंत्री रहे सत्येंद्र जैन भी जेल में हैं। पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालेवाल कथित मारपीट केस के बाद से पहले ही पार्टी से दूर है। इन तमाम संकटों के बीच जैसे ही सोशल मीडिया पर राघव चड्ढा की तस्वीरें वायरल हुई, विपक्ष के निशाने पर वो आ गए। सवालों का सिलसिला फिर शुरू हो गया। इस बार राघव चड्ढा को लेकर उठ रहे सवालों में क्या कहा जा रहा है, उसके बारे में जानने से पहले आप उन तस्वीरों को देख लिए जिनके बिना पर सवाल उठाए जा रहे हैं। स्क्रीन पर आप राघव चड्ढा और उनकी पत्नी परिणीति चोपड़ा की जो तस्वीरें देख रहे हैं, वो तस्वीरें दोनों ने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा गया, विंबलडन फाइनल, स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम एंड माय लव, द बेस्ट वीकेंड। कुछ तस्वीरों में राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा साथ में पोज देते हुए भी नजर आ रहे हैं, तो कुछ में मैच के दौरान का वीडियो शेयर किया गया है। इन्हें 15 जुलाई की दोपहर को अपलोड किया गया। ये तस्वीरें 14 जुलाई को हुए विंबलडन 2024 के फाइनल मैच की थी। फाइनल मैच को जीत स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने दूसरी बार विंबलडन का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल में 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराया। मैच के बाद जैसे ही राघव ने ये फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की, वो विपक्ष के नेताओं के निशाने पर आ गए। निशाने पर इसलिए आ गए क्योंकि दिल्ली में उनकी पार्टी पहले से संकट का सामना कर रही है। ऐसे में आरोप लगा कि वो पार्टी को मुसीबत भरी परिस्थितियों में छोड़कर मैच देखने चले गए। आरोप ये भी लगा कि जो पार्टी खुद को आम आदमी की पार्टी होने का दावा करती है, उसके नेता लाखों की टिकट लेकर मैच देखने जा रहे हैं। राघव चड्ढा को लेकर सिर्फ बीजेपी की तरफ से सवाल नहीं उठाए जा रहे, बल्कि इंडिया अलायंस की सहयोगी पार्टियां भी उन्हें निशाने पर ले रही हैं। यूपी बीजेपी के स्टेट आईटी कोहेड ने राघव चड्ढा की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, राघव चड्ढा जैसा आम आदमी अब 8,50,000 की टिकट खरीद कर मैच भी नहीं देख सकता। आंखें इसी दिन के लिए ठीक कराने गए थे। राघव चड्ढा सही कहा ना। दरअसल बीजेपी नेता अपने ट्वीट के बहाने राघव चड्ढा पर निशाना साधते हुए उस समय काल का जिक्र कर रहे हैं जब मार्च के महीने में केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। उस दौरान भी राघव चड्ढा देश से बाहर थे। उस समय आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि राघव चड्ढा आंख का ऑपरेशन कराने लंदन गए हैं, इसलिए वो केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पार्टी के किसी कार्यक्रम में नहीं दिख रहे हैं। उधर कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की तस्वीरें शेयर करते हुए आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, 8 से 10 लाख की टिकट लेकर विंबलडन फाइनल देखता हुआ एक आम आदमी। हालांकि बाद में रागिनी नायक की तरफ से ट्वीट डिलीट कर दिया गया। खैर, राघव चड्ढा और उनकी पत्नी परिणीति चोपड़ा को लेकर भले ही सियासत हो रही है, सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोग उनका समर्थन भी कर रहे हैं। कुछ यूजर्स ने लिखा कि दोनों सक्षम हैं तो विंबलडन देखने गए हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक और बड़े नेता जेल में हैं, तो क्या इनकी वजह से बाकी नेता अपनी जिंदगी जीना छोड़ दें। अब सोशल मीडिया पर राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की तस्वीरों को लेकर दो धड़े बन चुके हैं। एक धड़ा उनकी तस्वीरों पर प्यार लुटा उनका समर्थन कर रहा है, वहीं दूसरा धड़ा ऐसा भी है जो विंबलडन के टिकट के पैसे और आम आदमी पार्टी में संकट के समय राघव के इस तरह विदेश दौरे को लेकर उन्हें घेर रहा है। आपकी इस पर क्या राय है हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आएंगी हमारी साथी सुप्रिया। मैं हूँ दिव्यांशी सुमराव, आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।